बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। मामला आदर्श नगर इलाके का है, जहां कुछ लोगों ने 18 साल के एक युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। मरने वाले छात्रा का नाम राहुल था और जो बीए सेकेंड ईयर में पढ़ता था। राहुल की एक लड़की से फ्रेंडशिप थी, जिसका लड़की के परिवार वाले विरोध करते थे और इसे लेकर कई बार धमकी भी दी गई थी। आरोप है कि राहुल को पहले धोखे से बुलाया गया और फिर उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह उसे हमलावरों के चुंगल से छुड़ाया और घर ले गए। बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों बाद उसके पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में राहुल की मौत की वजह पिटाई से उसकी अंतड़ियों का फटना बताया गया है। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल दो लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली की ये घटना है, बीए सेकेंड ईयर के एक छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी है और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, यही बीए सेकेंड ईयर का वो छात्र है जिसका नाम राहुल है। एक लड़की से इसकी दोस्ती थी, लेकिन लड़की के परिवार वाले इस दोस्ती से खुश नजर नहीं आ रहे थे और उन्होंने इस युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल का। दिव्या, देश की राजधानी में सरेआम गुंडागर्दी, 18 साल के एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया है, क्या कुछ जांच में सामने आया? देखिए, फिलहाल 5 लोगों को जो है वो पकड़ा गया है। इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं तो पुलिस जो है वो घर में दाखिल हुई है। SHO जो है वो यहां आए हैं, इसी वजह से अभी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार लगातार ये कह रहा है, चूंकि सीसीटीवी फुटेज में 10 से 15 लड़के दिखाई दे रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि 5 लोगों को ही गिरफ्तार क्यों किया गया है। इस वक्त मेरे साथ उनके चाचा मौजूद हैं, जो कि सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे जहां पर राहुल को पीटा गया था। आप राहुल को लेकर आए थे, क्या हुआ था 7 अक्टूबर को? जी, मैं उसको घर पे लाया था, उसके बाद उसकी अचानक तबीयत खराब होने लग गई थी आधे घंटे बाद। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए हम। हॉस्पिटल ले कौन लोग थे सर? हम उनको जानते नहीं मैम, कौन थे वो? हाँ, तो आप इस वक्त देख सकते हैं फिलहाल जो है वो पुलिस की टीम जो है वो अंदर आ चुकी है। SHO खुद आए हैं यहाँ पर। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये जो है ये राहुल का वही कमरा है जहाँ पर वो ट्यूशन क्लासेस लेता था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है फिलहाल कि फिलहाल पुलिस की टीम आई है, SHO खुद यहाँ पर आए हैं और पूरे हर एंगल पर जो है वो जाँच होगी। लेकिन अभी जब हमने राहुल के पिता से बात की है, राहुल के चाचा से बात की है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 5 लोगों को ही क्यों पकड़ा गया है, जब सीसीटीवी फुटेज में 10 से 15 लड़के दिखाई दे रहे हैं और हमने अपना बेटा खोया है। एक ऐसा बेटा जो कि बुढ़ापे में पिता की लाठी बनता, क्योंकि एक बेटा एक बेटी थे और वो जो बेटा है वो इतना होनहार है कि फ्री क्लासेस लेता था। आप देख सकते हैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार है। एक छोटी सी उनकी अर्निंग थी, एक बेटा है एक बेटी है, और उसके बावजूद राहुल जो है वो फ्री क्लासेस लेता था। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पिता से, चाचा से और माँ से जो है वो बातचीत की जाएगी। इसी वजह से दरवाजा जो है वो बंद भी कर दिया गया है, अभी हमें अंदर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो परिवार है वो यही कह रहा है कि जो तमाम लड़के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, यहाँ तक कि जो दोस्त बताई जा रही है वो भी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है, उन सबको पकड़ा जाना चाहिए, नहीं तो आज राहुल है और कल को कोई और निशाना बन सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या तमाम जानकारी के लिए।